मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। ये बिजली का बिल देखा तुमने? 50,000, 50,000 का बिजली का बिल, वो भी एक महीने का। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम चलाती क्या हो। मैंने क्या चलाना है, ये एक एसी चलता है और दो फ्रिज। इस घर में आते ही तुम बेगम साहिबा बन गई हो। आपसे एक बात करनी थी बड़ी जरूरी। हाँ जी कहो, क्या जरूरी बात है? अब्बा जी आप ये घर बेच दें। माँ जी, माँ जी। हाँ क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सोच रही मैं। तो फैल भाई आए थे हुँ? या मालिक भाई ने कुछ कहा? किसी ने नहीं कुछ कहा। क्या माँ जी, आपको झूठ भी बोलना नहीं आता। बताए मुझे क्या बात है, बताए मुझे क्या बात है, बताए प्लीज। मालिक है ना, उसने घर बेचने का मुतालबा कर दिया। दुकान मिल तो रही है उन्हें, घर बेच के क्या फायदा? फरोजा बुटीक खोलना चाहती है। हाँ तो खोले बुटीक, हमें क्या? मालक ना घर बेच के भाइयों को हिस्से देना चाहता है। हमारी छत है, हम क्या करेंगे? तेरे अब्बा जी और मैं बहुत परेशान है। माजी आप परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें, इस मसले का हल निकाल लेंगे। कैसे परेशान ना हो, एक पुत्र वक्त हो गया, दूसरा सर से छत छीने की बातें कर रहे हैं। एक बात बता, इस घर को बेचकर जो उन्हें हिस्सा मिलेगा वो इतना तो नहीं होगा ना कि उससे नया घर भी बना लेंगे, भाइयों को हिस्सा भी दे देंगे और भाभी के लिए बिजनेस भी शुरू करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। पता नहीं क्या सोच रहा है वो, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है वो सोच रहा है कि दुकान की तरह तो घर में भी अपना हिस्सा छोड़ देगा। अगर मैं ना छोड़ू तो? देखना बेटा, कल को तेरी बीवी आ जाएगी, वो भी हिस्सा मांगेगी, फिर क्या बनेगा? आजी, आजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया मालक को, मुझे समझ नहीं आती। आयशा को तो बड़ा रोकता था, लड़कों के स्कूल में नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, छत पे नहीं जाना, फोन नहीं करना। अब पता नहीं फिरोजा की दफा इसको क्या हो गया, अल्लाह जाने इतना मॉडर्न कैसे हो गया। आजी नया जमाना आ गया, प्लीज आप तो एक औरत है ना, औरत होकर किसी औरत का दुख समझे तो उसे खोलने देना बुटीक, इजाजत दे उसे। नहीं नहीं भी, हम पुराने जमाने के लोग हैं, हम नहीं पसंद करते इस तरह की वारागर्दियां। सच्ची बात है मेरी प्यारी सी, आप खाम खास जज्बाती हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, आप परेशान मत हो, इस मसले का जरूर हल निकालेंगे, ठीक है? क्या हल निकालना, जब तू चला जाएगा तो मैं किससे अपने दिल की बात करूंगी, कोई भी तो नहीं है इधर। बेटे वक्खो वक्ख हो गए हैं, बेटी की शादी होगी, इसके ससुराल वाले मिलने नहीं देते, क्या करूंगी मैं? आप आयशा की पसंद की कोफ्ते बनाएं, मैं आजकल मैं आयशा को लेकर आता हूँ, ठीक है? फिर साथ बैठ के खाना खाएंगे, हैप्पी फैमिली। चले चाय बनाए मैं। अच्छा वासिफ, गुड शॉट, एक और लगा, एक और तू कर सकता है। हाँ? ये चीज आए, आए। जल्दी जल्दी। कहाँ है वो शुजात? वो भी नहीं आया। कब आ रहे? बात नहीं हुई अभी उससे। इतना बड़ा स्टार बन गया कि तुम लोगों से भी बात नहीं कर रहा वो? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। नहीं नहीं अभी बात कर लेते, कॉल करता हूँ मैं उसे। नहीं तुम रहने दो, मैं उसे खुद ही कॉल करूँगी। ओके अच्छा ये बताएं क्या लेंगी आप, चाय कॉफी? थैंक यू। शर्त लगा ले, लगता है मैडम मर गई है हमारे यार पे। एक्स्ट्रा लकी है यार वो, यार नसीब अपने हाथ से लिख रहा है। और एक हम है जो खामोश जाते हैं और खामोश ही एक्टिंग करके वापस आ जाते हैं। खामोश बस
यार, नसीब अपना अपना। No, I told you so many times, इतनी दफा तो मैं बता चुकी हूँ, you can't go, नहीं जा सकती तुम। मॉम शुजा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसी के साथ जाऊंगी, आपकी गाड़ी मोहल्ले में नहीं जाएगी। मोटर बाइक पे जाओगी? You will go on the motorbike? और मेरे घर के तुम मुलाजमीन कभी मोटर बाइक पे नहीं बैठे? गल कर दिए। मॉम मुझे जाने दे, मेरा जाना जरूरी है। अच्छा जी, भाई इतना ही नेसेसरी था तुम्हारा जाना, तो तुम्हारे माँ बाप अपने पास ही तुम्हें रख लेते, तुम्हारी शादी क्यों की? मॉम तब की बात कुछ और थी, आज अम्मी अबू दोनों बहुत परेशान हैं। परेशान तो वो इसलिए होंगे ना, तुम्हारा भाई जो अलैदा हो गया अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस वाइफ को लेके। जी, और फिर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जायदाद ऑल्सो, योर प्रॉपर्टी है ना? सही बात है जी, जब जायदाद बांट रही हो तो दे डोंट रिमेम्बर द सिस्टर्स, और जब माँ बाप की खिदमत करनी हो तो कम सिस्टर कम, यही है ना? और तुझे कोई हिस्सा मिला है उसमें से? बोल, नहीं मिला ना? एंड यू आर रनिंग देयर, उड़ उड़ के जा रही है तू उधर, फ्लाइंग देयर, जा जा, गो ओ गो, वेट, टेल देम नॉट टू कम हियर अगेन, या ना आया करें। आई फील एम्बैरस्ड, शर्मिंदा होती उनको देख के, कसमें अल्लाह दी। चली गई है, कितनी जिद दी पक्की है भाई, कहां से उठा के ले आया मेरा बेटा, गली पड़ जाती है, चाहे भी फास्ट एंड फ्यूरियस ना हो जाए। प्रॉपर्टी डीलर आ रहा है, उसको कार वखाना है अंदर से। अब प्रॉपर्टी डीलर को मना कर दें मालिक भाई। ओए चुप करके बे आए, तेरा इसे कोई तल्लक नहीं है। जानता हूं कि मैं छोटा हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी रजामंदी के बगैर ये मकान बिक नहीं सकता। मायरी दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहां, मायरी दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहां। वो प्रॉपर्टी डीलर आ रहा है, उसको कार वखाना है अंदर से। आप अपनी डिमांड बता देना अब्बा जी उसको। अब प्रॉपर्टी डीलर को मना कर दें मालिक भाई। ओए चुप करके बे आए, छोटा है ना तो छोटा रह, समझ आई है? तू सारी दिहाड़ी फिल्में करता ना, तुझे लग रहा है ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है, हकीकत है, तेरा इसे कोई तल्लक नहीं है। जानता हूं कि मैं छोटा हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी रजामंदी के बगैर ये मकान बिक नहीं सकता। जितना इस मकान में हिस्सा आपका है उतना मेरा भी है। यार तेरी ना कोई जिम्मेदारी है, ना तेरा कोई बच्चा है, ना बीवी है, तू मुंह उठा के हिस्सा मांगी जा रहा है किस चक्कर में? कानून को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैंने हिस्से का क्या करना है, लेकिन जितना हक आप लोगों का है उतना ही मेरा भी है। ओए ओए रब का शुक्र अदा कर रहे, तुझे शूटिंगों से पैसे मिल रहे हैं, चंगे भले तू पैसे कमा रहा है, तेरे अंदर का लालच मुकता नहीं है? मालिक भाई जितनी मेहनत करता हूं उतने खर्चे भी होते हैं वहां पर, मैंने कभी लालच नहीं की, अगर मैं लालची होता ना तो दुकान में से अपना हिस्सा नहीं छोड़ता, मैं सिर्फ असूल की बात कर रहा हूं। शुजा ठीक कह रहा है, ये जायदाद मेरे नाम पे है और मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए ये मेरे इख्तियार में है कि मैं
अपनी सारी औलादों को कानून और शरा के मुताबिक बराबर बराबर हिस्सा दूं। ओ भाजी आप फिक्र ना करें, और बेटी नहीं लेगी इतना सा हिस्सा। आपको किसने कह दिया मालिक भाई? कहना किसने है? पता है मुझे। तुझे पैसे की क्या जरूरत है? इतने बड़े खानदान में इसकी शादी कराई है। खानदान चाहे जितना मर्जी अमीर हो, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। शर्म से डूब के मर जाए साहब। शर्म से तो वो डूब मरे मालिक भाई जो मेरा हिस्सा छीन रहे हैं। मैं अपना हक मांग रही। मेरी बात सुन, हक की बात ना कर। तेरी शादी पे तेरे हिस्से से ज्यादा पैसा लग चुका हुआ है। पहले उसका हिसाब बराबर कर, उल्टा तेरी तरफ पैसे निकलेंगे हमारे। आपने लगाए थे पैसे। और तेरा कोई हक नहीं है जायदाद में से हिस्सा मांगने का। मेरा पूरा हक है जायदाद में से हिस्सा मांगने का। और आप ऊंचा मत बोले मालिक भाई, मैं वो आयशा नहीं हूँ जिसको आप आंखें दिखाते थे तो वो डर जाती थी। मैं शादीशुदा लड़की और अपना शरई हक बेहतर जानती हूँ। इंसानियत भी कुछ चीज होती है आयशा। ये आप कह रहे हैं अब्बास भाई? मेरी बात सुनो, तुम्हारा इतना अमीर खानदान है जिसमें तुम्हारी शादी कराई है, इस जैसे 10 घर खड़े कर सकते हैं वो। तुम्हें क्या जरूरत है हमारे हिस्से में टांग अड़ाने की? बेटी का शौहर बादशाह और बाप फकीर ही क्यों ना, अगर बाप ने एक दिन का भी जायदाद में छोड़ा है तो बेटी उसकी भी हकदार है। आयशा ठीक कह रही है। मासरो, इस जायदाद में से सबसे पहले 1/8 हिस्सा तुम्हारी मां का यानी मेरी बीवी का निकलेगा। उसके बाद तुम 4 भाइयों के 2-2 हिस्से यानी 8 हिस्से तुम्हारे और 1 हिस्सा तुम्हारी बहन का, कुल बने 9 हिस्से। अब 9 हिस्सों पे इसे तकसीम कर लो और खुद हिसाब लगा लो कि तुम भाइयों के हिस्से में क्या आता है। और यही मेरे मुल्क का कानून है और यही मेरा दीन है। जल्दी की जरूरत नहीं है, सारे मिलके आपस में मशवरा कर लो। जब कोई फैसला हो जाए तो मुझे बता देना, मैं हर तरह से हाजिर हूं। आ फातिमा। दोनों की जोड़ी बड़ी पसंद की जा रही है मैडम। जहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ हर सेट पे आप दोनों की बातें होती हैं। हाँ, लोग तो अब ये भी कहते हैं हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। गलत फहमी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। जी मिस। मेकअप करो जल्दी से। ओके मिस। लड़की ने फोन नहीं उठाया, मुझसे शादी करना चाहती हूँ। लोग तो अब ये भी कहते हैं हम दोनों बहुत जल्दी शादी भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम माय एल्डर सन। थैंक गॉड यू आर बैक। आयशा इज गॉन सिंस मॉर्निंग। सुबह की गई भी है, सारा दिन हो गया है। अभी देखो कल मैंने उसको कहा कि मेरे साथ सलमा आपा के घर चलो। शी सेड नो, मेरा टेस्ट है। और आज देखो शी हैज बीन सिटिंग देयर सिंस मॉर्निंग। किसके साथ गई है? ड्राइवर तो छुट्टी पे है। वही उसका एक्टर भाई, उसके साथ। अच्छा चलो गुड। ओ क्या गुड, कुछ गुड नहीं। मोटर बाइक पे बैठ के गई है। ही सैट ऑन द मोटर बाइक। भाई हमारे घर के तो मुलाजमीन भी मोटरसाइकिल पे नहीं बैठते हैं। भाई चलो ठीक है मानना, उसका भाई तो है ही सड़क छापना, द रोड प्रिंटर। लेकिन भाई ये तो इस घर की बहू है ना, शी शुड रियलाइज दैट। अच्छा मैं समझा दूंगा उसे। आप अंग्रेजी मेरे पे जाया ना करें, उन्होंने आना है, उनके लिए बचा के रखेंगे। बेटा जी बड़ी अंग्रेजी है मेरे पास, उसकी फिक्र ना करो, वो नहीं खत्म होती। तुम्हारे लिए भी है, उनके लिए भी है। जहाँ बुलवानी हो बस मुझे बता दो, किसी को टिकने नहीं दूंगी सामने अंग्रेजी के। जी। लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है मैंने, उनकी ना प्रॉपर्टी मैटर कोई हुआ हुआ है, डिवाइड हो रही है प्रॉपर्टी। अब मुझे कोई ये बताओ
है क्या जायदाद? वो वन ब्रोकन हाउस एंड वन करियाना शॉप। अब मिलेगा क्या इन सबको? एक एक आटे की बोरी और किलो किलो दाल। अब तो मैं देखो सुबह की गई भी एक आटे की बोरी और किलो दाल के लिए। तो बात है, मुझे तो लगता है कि इसका वो वाला भाई जो है ना, कसमे अल्लाह दी, वो भी इसी के लिए आई। नहीं मामा, ऐसा नहीं है, कम ऑन। कैसे नहीं है? वैसे इनकी तो लॉटरी निकल आई है, दे हैव हिट द जैकपॉट। उसकी देखो काम अल्ले से उठा के इतने बड़े घर की बहू बन गई है, तो जैकपॉट ही हुआ ना। आई गेस आपके सोने का टाइम हो गया, अब जाके सो। मेरा एंडरसन, कितना देखो इसको मेरा ख्याल है, हैं? तुम लोगों में से किसी को नहीं पता, इसको मेरे सोने का टाइम, मेरे जागने का टाइम, खाना पीना सब टाइम पता है। और तो मॉम मेरा बच्चा। चलो बाकी मैं तो सोऊं अब। अब तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। बैठे रहते हैं सारी सारी रात बातें करने। भाई आप सर अपने पैसों का और वॉलेट का ध्यान रखा करो। यूं ही नहीं आयशा पीछे भाग भाग के जाती। यार ऐसी नहीं है वो, क्या तुम लोग सब पीछे पड़ गए उसके? नी चेंजेस अ मैन विद इन सेकंड्स, ही लव्स द फेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट, माइंड इट। उठो, तुम क्या करोगे? आयशा तुम कब आई? मैं अभी अभी। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाता हूँ। मुझे भूख नहीं है तैमूर। कमाल है, मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया और तुम कह रही हो भूख नहीं। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, लगवाता हूँ खाना। शाजिया, मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़कर तो नहीं जाना चाहता, पर मुझे जाना होगा। शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और बस यही मजबूरी है। जा तू, जा। मैं वहां से पैसे भेजूंगा, आप नया फ्रिज ले लो। नहीं चाहिए फ्रिज, फ्रिज जरूरत नहीं है। हाँ जी, बेटा हूँ आपका और ये मेरा फर्ज है। देख ली फर्ज सारी, किकते भी सारी पता चल गई। अब्बा जी आप समझाए ना माँ जी को, ये कैसी बातें कर रही है। मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। नहीं ये तो हो जाएगा, शादी होती तो हो जाएगा। तो ऐसी बात है ना माँ जी, तो कसम ले ले मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। दोनों सूरतों में राज्य तो हमें ही होगा ना पुत्र। खैर कितने बजे है तेरी फ्लाइट? दस बजे। असी भुलन हारे भुल गया वांग का खादे रुल गया। कुछ नहीं बनने वाला, nothing will happen, just tell your family you don't need anything, tell them straightforwardly, saaf saaf bata do, mana kar do unko. Lekin mama ye to iska sharai haq hai. What do you mean by sharai haq? Ha kya mil jana hai? 2 lakhs 3 lakhs and some bags of atta. Isse to hamara muh kala hi hoga. Keh rahi hai, bilkul sahi keh rahi hai ye. Aur Aisha ji, I am talking to you. I am talking, and you are not listening to me. You are not replying back. Why? Ji mom,
जैसे आपका हुक्म। तेरी जल्दी कहना मान लिया। हाँ, यहाँ इतनी ज्यादा जायदाद की मालकिन जो बन गई है इसीलिए, वरना मामा तो कहती रहती है कि छोड़ दो जॉब छोड़ दो जॉब, और ये है कि इनकार ही सुनने को मिलता है इससे। नेवर, वो मेरा ख्वाब है। मामा, क्यों ना हम आयशा का ख्वाब पूरा कर दें, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल खोल लेते हैं। अच्छा जी, ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाने? तो क्या मिलेगा तुझे ट्रस्ट हॉस्पिटल से? इतना बड़ा तेरा बिजनेस है, एक और मुसीबत ट्रस्ट की गले डालने, क्या मिलेगा तुझे उससे बता? अकल लू हाथ पा बेटा, तैयार हो मीटिंग पे चलना है, देर हो जाएगी। जी मामा, मैं आयशा को ड्रॉप करके आता हूँ, फिर आपको लिए चलता हूँ। क्या तू इसकी ड्राइवरी करेगा? ड्राइवर है तो इसका, आर यू हर ड्राइवर? चल लाओ, ड्राइवर साथ भेजो इसको और चलो मेरे साथ। फटा आया छोड़ के आने वाला। कराची पहुंच गए, नजर रखनी है उस पर। जी बहू जी। और सुनो, तुम बुला लो कारीगर, इस बार मैं अब्बाजी से पूछूंगा नहीं बल्कि उनको बताऊंगा। सही करके, जरा सही करके। ये क्या हो रहा है? मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मेरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। बड़ा याद करते हैं हम आपको, आपके बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लगता। अच्छा? हाँ, इसीलिए तो इतना ढूंढ ढांड के हम खुद आए हैं। 2 घंटे तो रास्ते में ही लग गए और आधा घंटा घर ढूंढने में, लेकिन मैंने कहा अपनी शादी की इत्तला देने तो मैं खुद ही आऊंगी। अरे वाह, शादी हो रही है तुम्हारी, बहुत मुबारक। कब है? 25 को, और आपने जरूर आना है। 25 को है? क्या है ना, 25 को काफी काम है, एक तो पार्टीज में जाना है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करो। पार्टियां तो दिन में होती होंगी ना, रूबी की शादी तो रात में है। पार्टी रात को भी होती है। अरे रूबी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी शादी का इनविटेशन देने आई थी ना, 25 को है मेरी शादी और आपने जरूर आना है। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो, तो मैं इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और हाँ, भाभी को भी जरूर लेके आना है, ठीक है? और कोई बहाना नहीं, इनके अगर मर्जी होगी और इनका दिल चाहेगा तो ये भी आ जाएंगे। और सुनाओ, मोहल्ले में सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप ठीक है ना? सबको मेरा सलाम कहना। हाँ। बैठो, खाना खा के जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाईजान। भाभी, मैंने कहा इनको क्या हो गया? क्या सड़ियल नहीं हो गए, बदल नहीं गए? नहीं तो, बिल्कुल वैसे ही हैं। बस कर दें, वैसे तो बिल्कुल नहीं है, इन्हें हसमुख हुआ करते थे, इतने सड़ियल हो गए हैं, बिल्कुल अब्बास भाई की तरह लग रहे, है ना नहीं माँ? बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तो पहले ही कहा था खाला को कि
तो फैन भाई की मुझसे शादी करे। अब देखो कैसे इख्तलाफात चल रही हैं दोनों। बस कर, अब तेरी शादी हो भी रही है अभी भी तू मैंने कहा भाभी आराम ठीक है? हाँ ठीक है आराम। अच्छा दाल में जरूर कुछ काला है, बात भी कर जा। क्या मुसीबत डाल दी है यार, ये सारी कारिस्तानी उस शुजा की है, छड़ा छांट है वो, जरूरत उसको किसी चीज की नहीं है, ऐवें ही माँ बाप के सामने नंबर टांगी जा रहा है ताकि हम बुरे बन जाए और वो अच्छा बन जाए। भाई हमारे गले में तो मुसीबत डाल दी है ना उसने, भाई इतने हिस्से निकलेंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, जेन में रखना। भाई इतने सारे लोग पहले ही थे, ऊपर से ऐशा भी कूद पड़ी है बीच में। उसको लाने वाला भी शुजा है, मुझसे लिखवा लें आप। उसको खुद भी शर्म करनी चाहिए, इतना अमीर ससुराल है उसका, इतनी जायदादें हैं उसके पास, और लेकिन उसने ध्यान इसी जायदाद पे रखा हुआ है जिसमें कख भी नहीं है, शर्मी की हद है वैसे। शुक्र करे अभी घर में से ऐसा मांगा, दुकान से नहीं मांग लिया उसने अभी। और दुकान से तो मैंने देना भी कुछ नहीं, तुम लोगों को ये मकान में से हिस्सा देंगे ना फटाफट, और मैंने दुकान अपने नाम लगवा लेनी है। भाई शुक्र है आपके हिस्से में कोई जायदाद तो है ना, मेरे हिस्से में क्या है, कुछ भी नहीं। और भाई यहाँ अपने लिए ना खुद ही हाथ पांव मारने पड़ते हैं, जैसे मैं और मेरी बीवी मार रहे हैं, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलना। पता नहीं फिरोजा के बुटीक का क्या बनेगा। चली गई रूबी? हाँ चली गई। खाना वाना खिलाया उसको कि नहीं? जूस पिला दिया था। बहुत बड़ी खपती हमारे मुल्ले की। चलो अच्छा है शादी हो रही है उसकी। तुम्हारे मोहल्ले की खप वैसे एक बड़ी अजीब सी बात करके गई है। क्या कह रही थी कि तुम बदल गए हो? वो कैसे? बदमिजाज हो गए हो? पागल है रूबी, दो सेकंड की मुलाकात में उसने जज कर लिया कि मैं बदल गया हूं, बदमिजाज हो गया। वाह बल्ले। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ दिन रात रहती हूँ ना। तो ये कि तुम वाकई में बदल गए हो तो फैल वह नहीं, वहम नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम कितना अच्छे से रहते थे। खर्चों की वजह से परेशान हूँ, हालात की कुछ समझ नहीं आ रही किस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं सब कुछ कैसे पूरा करूंगा मैं। नया घर सेट किया ना अभी, इसलिए ऐसा लग रहा है। कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात तुमने नींद के बारे में भी कही थी। क्या? शुरू शुरू में मुझे नींद नहीं आती थी, तुमने कहा था नया घर है, चंद दिन लगेंगे सब सेट हो जाएगा। हाँ नींद मुझे अब भी नहीं आती निकिन। सोचो कि हम बाहर मुझे सोने देते थे। शैला से तो जब भी फोन पे बात करो सिर्फ आप ही की बात करती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। तो मैंने भी कह दिया कभी मिलवा दो। सलामकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या गेट पे कोई नहीं था? गेट पर कोई नहीं था,
सॉरी मैं समझा नहीं। कभी भी किसी के घर मुंह उठा के नहीं आ जाते। एक्चुअली वो शैला का नंबर ऑफ जा रहा था तो बहुत परेशान हो गया। शैला कहाँ है, नजर नहीं आ रही? वापस चली गई। वापस चली? लेकिन क्यों? ये सवाल तो माँ होने के नाते मैं उससे नहीं कर सकी। तुम्हारा तो अभी रिश्ता ही क्या उससे? बता रही थी शैला, तुम्हें इस मकाम पे लाने के लिए उसने तुम्हारा बड़ा साथ दिया। मैंने कहा है उससे कि तुमने अगर हमदर्दी की है तो उसे एहसान की तरह जताओगे। नहीं, उसका एहसान तो है मुझे। तो फिर उस एहसान को मोहब्बत ना समझो। उसने अगर जज्बात में तुमसे कोई वादा कर लिया है तो उस पर एतबार मत करो। उसने शादी अपनी मर्जी से करनी है। तुमसे शादी करके वो अपना करियर दाव पर नहीं लगा सकता। लेकिन आंटी, करियर तो मेरा भी है। तुम्हारा करियर है ही कितना, 2-4 साल का? जिंदगी इतने सालों में खत्म तो नहीं जाती। तुम पे तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां बीतनी है। तुम उस घर को देखोगे या इस घर को? ठीक कहा ना मैंने? कराची पहुंच गए, नजर रखनी है उस पर। जी बाबूजी। और सुनो, मुझे जिन माई से बात करनी है आज, उसे कॉल करके बता देना। जी बाबूजी। जाओ। आज वो घर ले गई है उसे, अपने मार दे उसे। अरे तू यार है मेरा, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे समझ नहीं आती आयशा को हिस्सा लेने की जरूरत क्या है? इतना अमीर ससुराल है उसका। बदनीयती है और क्या है? तो उसे समझाएं कि उसका हिस्सा लेने से उसका कुछ नहीं बनेगा, हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं क्या समझाऊं उसको, क्या समझाऊं मैं उसे? पैसे वाले ससुराल का गुरूर है जो सर चढ़ के बोल रहा है, वो तो किसी के साथ बात करने की रवादार नहीं है। दिमाग आसमान पे चढ़ गया उसका। जिसको देखो उसका दिमाग आसमान पे है, एक हम ही रह गए जमीन पर रेंगने के लिए। अच्छा ठीक है, वो और मैंने हिसाब लगाया, अम्मी ऐशा और शुजा को हिस्सा देने के बाद तो हमारे पास बस इतने से पैसे बचेंगे कि मैं वो तुफैल भाई और अब्बास को दुकान में से हिस्सा दे दूं। उसके बाद ना तो घर के लिए कुछ बचेगा और ना ही तेरी बुटीक के लिए। मेरी बुटीक तो बहुत जरूरी है मालिक, अभी हमने गुड़िया को अच्छे स्कूल में भी दाखिल कराना है। सो जरूरतें ही होती हैं, सिर्फ एक दुकान से तो ये सब नहीं होगा। ठीक है यार, तुम काम करती रहो, हम वो पैसे जमा कर लेंगे, बन जाएगी 2-3 साल में बुटीक। दिन रात लगी रहती हूँ मैं, फिर भी इतना नहीं कर पाई कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। और बिजनेस में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है, धड़ाधड़ ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी मुझे, अगर मैंने इनकार करना शुरू कर दिया तो मेरी तो शोहरत हो जाएगी कि मैं ऑर्डर्स नहीं लेती। नीलम को बुलवा लो। शुजा के इनकार के बाद मैं नीलम को नहीं बुलवाना चाहती, और अगर बुलवा भी लिया तो कितने दिन रहेगी वो? अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। सोचने का वक्त गया, अब कुछ करने का वक्त है। रूबी की शादी सर पे है, अभी तक सारा काम पड़ा है उसका, मुझे कारीगर चाहिए। तो तुम बुला लो कारीगर, इस बार मैं अब्बा जी से पूछूंगा नहीं बल्कि उनको बताऊंगा। तुम कारीगर बुलाओगी कहाँ से? वो बाबा साईं के कुछ जानने वाले हैं यहाँ पे, उनसे कहती हूँ भेज देंगे। लेकिन आप मुझे लकड़ी के कुछ फ्रेम्स बनवा दें बस। हाँ ठीक है, मैं कर ली जाता हूँ। ये
क्या कर रही हो तुम? भाई के वॉलेट से क्या चेक कर रही हो? वो मैं कपड़े उठा रही थी तो ये नीचे गिर गया। क्या हुआ? भाई आपको कितनी दफा कहा है कि अपनी चीजें संभाल कर रखा करें, बट आप वाशा को दे दो संभाल लेगी। आपके कपड़े निकाल दिए। नाश्ता बना दो, देर हो गई। जी आजो भी, आजो 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 आजो, लाओ 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 लाओ, शाबाश शाबाश, रखो 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 रखो, वही रखो। ये कौन है मालक? कारीगर है अम्मा। लगा लगा भाई जल्दी कर यार, सीधा कर जरा, ठीक है इधर लगाओ। हाँ इस शेड के नीचे रख देंगे। हाँ तो वो पंखा कहाँ रखवाना है? पंखा मैं यहाँ रखवाऊंगी ना, सबको हवा आएगी ठीक से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, रखो भी रखो, और पंखा इधर रख देना है। हाँ अच्छा, कालीन भी निकाल दिया है मैंने, वो भी आप बिछा लें। हाँ ठीक है बिछा लेते हैं। वो तूने अपने बजी से बात की है? और पैसे पूछने की क्या जरूरत है? हाँ लग गया है, सही हो गया है, ये इधर ठीक है ना, देख ले। हाँ सही करके, जरा सही करके। ये क्या हो रहा है? की हो रहा भाई? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? ये वो फिरोजा के वो है कढ़ाई वाले, मालक ने बिठाई। मैं कपड़े लेकर आती हूँ, फौरन काम शुरू किया जाए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ, दुकान पे ना रश पड़ा है तो गाहक उधर आए हुए, मैं फिर आता हूँ। सुन मालक, यही बैठे रहेंगे क्या? आप तो यही घबरा गई हैं, क्या हो गया आपको? आप कौन सा घर में कर ली हैं? अब्बा जी है ना आपके पास? बात सुनो मालक, आज तेरी गैरत कहां गई भाई? मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। जी गुंडा कर दिए बंदे, कुछ आ रही है घर में, वो हम भी रहते हैं इस घर में माँ जी, और मेरी बीवी उनकी बीवी की तरह समझदार नहीं है। इस घर में कारीगर आएंगे और वो यहाँ बैठेंगे तो फिर घर में अपने अपने पोर्शन चला रखेंगे। क्या तुम रोज रोज मुझे खर्चों की लिस्ट सुनाते हो? बस बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तंग आ गई हूँ मैं। जान छोड़ो मेरी, जाओ। दिखा दी ना अपनी औकात। मैंने अपनी औकात दिखा दी? अपनी औकात याद की याद कराऊं? मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जा।